एलिमिनेटिंग एम्बिग्यूटी भी हमने पढ़ ली। अच्छा, इतना पढ़ने के बाद अब हमें जावास्क्रिप्ट हमने इतनी पढ़ ली है कि अब हम बाकायदा प्रोग्राम्स बनाना शुरू करना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं? बाकायदा प्रोग्राम्स बनाना हम शुरू करना चाहते हैं। अच्छा, तो अब हम अगली चीज़ जो सीखेंगे वो हम सीखेंगे यूज़र से इनपुट लेना। अगली चीज़ हम क्या सीखेंगे? यूज़र से इनपुट लेना। अच्छा, तो मैं एक फोल्डर बना देता हूँ यहाँ पे। कर देता हूँ। टेकिंग यूज़र इनपुट, मैंने फोल्डर एक बना लिया और मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, यूज़र से इनपुट कैसे लिया जाए ये हमने सीखना है। नहीं आई? अच्छा, दोबारा करता हूँ यार। ठीक है, सीखना है यार, उस पर तो आ गया, उस वाले पे भी आ गया। सही है। अच्छा, ये मैंने हेडिंग लगा दिया। अच्छा, इस पॉइंट पे मैं एक चीज़ रियलाइज़ करवाना चाहूँगा। देखो, दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर है ना, दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर, या बल्कि मैं उससे भी बड़ी बात करता हूँ, कोई भी दुनिया की मशीन है, जो कोई भी मशीन, एक तो सॉफ्टवेयर होता है ना, एक कंप्यूटर इटसेल्फ एक मशीन है, या जैसे ये एसी एक लगा हुआ है, ये भी एक मशीन है। तो हर मशीन का जो काम होता है असल, जो प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल होता है, या किसी भी सॉफ्टवेयर का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है, उसकी बेसिक तीन क्लासिफिकेशन है। इस तीन स्टेप में यानी वो काम हो रहा होता है। नंबर एक स्टेप क्या होता है? यूज़र से इनपुट लेना। सही है। नंबर टू प्रोसेस, उस इनपुट को प्रोसेस करना, जो भी उस मशीन का काम है उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसेस, कुछ होगा अंदर प्रोसेस, लेकिन प्रोसेस होगा ज़रूर। ठीक है, तो नंबर टू स्टेप है कि उस इनपुट को प्रोसेस करना, और नंबर थ्री स्टेप है कुछ ना कुछ आउटपुट देना, जो उसने प्रोसेसिंग की है ना, उसका कोई जो भी रिजल्ट निकला है वो आउटपुट वापस यूज़र को देना। ये तीन स्टेप में हो रहे होते हैं, कोई भी दुनिया का जो सॉफ्टवेयर है ना, वो यही तीन काम कर रहा होता है। इस तीन से कोई चौथा काम नहीं है इस तीन के अलावा। ये स्क्रीन के जो है ना, इसको टाइम को मैं थोड़ा बढ़ा दूँ ताकि ये स्क्रीन बंद ना हो। अच्छा, अब ज़रा ये जो मैंने एक स्टेटमेंट दी है, एक क्लेम किया है मैंने, एक बड़ा क्लेम किया है, तो इसको अब थोड़ा एक दो अपने इर्द गिर्द की मशीनों पे ना अप्लाई करके देखते हैं। जैसे ये एसी है, मैं, ये भी एक मशीन है ना, इसमें यूज़र इनपुट ये कब लेता है हमसे? इलेक्ट्रिसिटी इसका इनपुट है, इस मशीन का इलेक्ट्रिसिटी लेता है ये, उससे कुछ पंखा वंखा घुमाता है अंदर, कुछ करता है अंदर, उसको कॉम्प्रेस वम्प्रेस लगा हुआ होता है इसमें, और आउटपुट इसका हीट है, हीट आउटपुट देता है, ये ठंडक जो है आउटपुट देता है। ठीक है। अच्छा, अगर इसको सिर्फ सॉफ्टवेयर के लेवल पे देखिए, तो पूरी मशीन एज अ मशीन देख रहा हूँ ना मैं, अगर मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर के परस्पेक्टिव से देखूँ तो इसका इनपुट क्या है? जो मैं बटन दबाता हूँ ना ऐसे जाके, कि यार इसके टेम्परेचर को इतना कर दो, मैंने कहा 16 डिग्री पे सेट कर दो इसको, वो 16 डिग्री पे सेट हो गया। ठीक है, मैंने जो बटन दबाया था वो बटन मेरा क्या था? वो इनपुट था, और उस बटन दबाने से वो जो समझा गया उसको कि 16 डिग्री पे सेट हो जाए, तो वो उसने प्रोसेस किया ना मेरी बात को। मैंने तो रिमोट पे एक बटन दबाया जस्ट, उससे कोई सिग्नल गया होगा, वहाँ जाके प्रोसेस हुआ और मुझे आउटपुट नज़र आ गया कि स्क्रीन पे क्या हो चुका है, 16 लिखा हुआ आ गया। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर के परस्पेक्टिव में। तो दुनिया के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो यही तीन काम कर रहे हैं। अच्छा, एक दो एग्जाम्पल और, जैसे गूगल क्रोम एक सॉफ्टवेयर है, इसका इनपुट क्या है? यूज़र कुछ टाइप करता है यूआरएल के बॉक्स में जाके, यूआरएल लिखता है यूज़र, वो यूआरएल जो यूज़र का इनपुट था ना। अच्छा, उस यूआरएल जैसे ही इनपुट मिलता है उसको, तो वो उसको प्रोसेस करता है। अच्छा, वो उसका प्रोसेस क्या है? उसका प्रोसेस ये है, वो यूआरएल जाके ढूंढेगा, क्या इंटरनेट पे कुछ तलाश वलाश करेगा, कुछ है उसका बड़ा टिपिकल प्रोसेस,
वो सब कर करा के आखिर में वो अगर उस नाम की वेबसाइट होगी तो ला के दे देगा, नहीं होगी तो मना कर देगा, आउटपुट ये उसका। तो दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे इन्होंने एक हैंड रिस्ट वॉच पहनी हुई है, ये भी तो एक मशीन है, ये भी तो एक सॉफ्टवेयर है, इसका इनपुट क्या है? इसके साइड पे बटन लगे हुए ना, उसको दबा के इनपुट देते हैं इसको कुछ, ठीक है। तो मैं एक बार बटन को दबाता हूँ, दबा के उसका टाइम सेट कर देता हूँ, ये मेरा इनपुट था। अब उसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है उसका कि वो एक तो बटन दबाने को समझता है और उस टाइम को कैरी करके रखता है, कीप करके रखता है, उस टाइम को सस्टेन करके रखता है और वो उसको यानी लूज़ नहीं करता, बैटरी पावर के जरिए उसको कैरी करके रखता है उस टाइम को। अच्छा, आउटपुट क्या है इसका? वो स्क्रीन पे जो दिख रहा है वही आउटपुट है, ठीक है। तो कोई भी मशीन होती है, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं प्योर सॉफ्टवेयर की तरफ। एक तो ये मैंने रियल लाइफ थोड़ा करवा दिया ना आपको, रियल सॉफ्टवेयर की तरफ आ जाते हैं। एक कैलकुलेटर की ऐप आपने खोली है मोबाइल फ़ोन पे, वो कैलकुलेटर की ऐप क्या करती है? इनपुट लेती है आपसे, आपने दो नंबर इनपुट के तौर पे दे दिया, आपने बोला प्लस करो या जो भी, आपने इनपुट पे ही आपने बोला कि 2 + 5, तो दो नंबर लिया, वो उसको प्लस करना जो उसका प्रोसेस है, और आउटपुट वो दिखा देगा कि यार 2 + 5 जो है वो 7 हो गया आपका, ये आउटपुट हो गया। बड़े से बड़ा सॉफ्टवेयर फोटोशॉप की अगर हम बात करें, क्या करता है वो? इनपुट लेता है यूज़र से, एक फ़ोटो है, मुझे उसमें से बैकग्राउंड रिमूव करना है उसका, इमेजिन कर लो इस तरह के काम होते हैं फोटोशॉप पे। तो मैं उसको इनपुट के तौर पे क्या देता हूँ? वो फ़ोटो देता हूँ जिसका बैकग्राउंड मुझे रिमूव करना है, वो उस पर बन के आ जाता है, कैनवस पर आ जाता है वो। अब उसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि वो टूल्स बने हुए हैं, उसको मैं यूज़ करते हुए उसमें कुछ करूँगा, वो जो भी फोटोशॉप में जो मुझे नहीं पता क्या होता है, कुछ करूँगा वो बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा उसका, उसके बाद दोबारा सेव करूंगा या प्रिंट निकालूंगा, ये उसका आउटपुट है। प्रिंट या निकालूंगा या तो मैं दोबारा उसको एज अ JPG फाइल दोबारा सेव कर दूंगा, वो आउटपुट है उसका, ठीक है। ये मैं बिग पिक्चर में बात कर रहा हूँ, जाहिर है वो अब एक बार फोटो अंदर चली गई तो जब मैं सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूँ, टूल सेलेक्ट करके उसको जब मैं सेलेक्ट करता हूँ फिर क्रॉप करता हूँ, तो वो भी एक प्रोसेस है, प्रोसेस विद इन अ प्रोसेस है वो। लेकिन अभी मैं बिग पिक्चर में बात कर रहा हूँ, अभी मैं 10,000 फीट से एक पिक्चर दिखा रहा हूँ आपको। ज़ाहिर है फोटोशॉप के अंदर वो बहुत बहुत सारी फिजिक्स से रिलेटेड चीज़ें हो रही होती हैं, बहुत सारे उसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीज़ें हो रही होती हैं, तो वो अभी हम इतनी डिटेल में हम बात नहीं कर रहे। अच्छा, कोई सॉफ्टवेयर आप में से कोई बताए जो सॉफ्टवेयर आपने यूज़ किया हो? हाँ, क्या बोला नाम तुमने, समझ नहीं आया? फेसबुक, अच्छा इंस्टाग्राम, चलो इंस्टाग्राम का बताओ मुझे, क्या उसका इनपुट है? इंस्टाग्राम का कोई तो इनपुट होगा, सबसे पहले ही स्क्रीन पर तो वो बोलता है कि पहले लॉगिन करो भाई, तो आप एक इनपुट देते हैं, वो उस इनपुट पर लेके जाता है डेटाबेस में, देखता है अच्छा इस नाम का पहले से यूज़र है, प्रोसेस हो रहा है, और आपको वो लॉगिन करके आपका डैशबोर्ड शो कर देता है, दैट इज़ अ आउटपुट। ये पहला प्रोसेस था ये। अच्छा, आप वंस आप अंदर आ चुके हैं उसके, तो अब इनपुट क्या है? क्योंकि एक सॉफ्टवेयर कंटिन्यूसली इनपुट ले रहा होता है, कंटिन्यूसली आउटपुट दे रहा होता है। जब सॉफ्टवेयर के आगे आप बैठे होते हैं, आप किसी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इस्तेमाल करने का मतलब क्या होता है कि कंटिन्यूसली आपको इनपुट वो मांग रहा है आपसे, और उसको प्रोसेस करके आपको दिखाता भी जा रहा है। तो अब इंस्टाग्राम खुल के आपके सामने आ गया, आपसे इनपुट क्या ले रहा है वो? आपसे इनपुट ले रहा है स्वाइप, स्क्रॉल। आप स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हैं, वो नीचे दूसरी और फोटो ला के दिखा देता है, आप और स्क्रॉल करते हैं, वो और फोटो ला के दिखा देता है, यही करता है ना वो। तो वो स्वाइप आपका इनपुट है, वो स्क्रॉल आपका इनपुट है, या एक तरह का इनपुट और भी हो सकता है कि आपकी कोई खास सेलिब्रिटी है जिसको आप सर्च करेंगे और नाम लिखेंगे जाके आप चिंकी विंकी तो चिंकी विंकी आपने जो लिखा वो क्या था आपका? वो इनपुट दिया ना आपने उसको, इंस्टाग्राम में सर्च में जाके चिंकी विंकी लिखा, एंटर। जो उसको फिर डेटाबेस में जाके सर्च किया, वो जाहिर है कि भाई इस नाम से कोई यूज़र है, कोई प्रोफाइल है, और ला के वो आपको चिंकी मिंकी की सारी फ़ोटो दिखा दी, वो आउटपुट हो गया उसका। तो ये इंस्टाग्राम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो कंटिन्यूसली आपसे इनपुट ले रहा है और आउटपुट आपको दे रहा है, ठीक है। और कोई सॉफ्टवेयर सोचो, बताओ मुझे। हाँ, व्हाट्सएप,
हाँ व्हाट्सएप में भी यही हो रहा होता है। व्हाट्सएप का इनपुट क्या है, मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप में आप मुझे मैसेज भेजना चाहते हैं, अगर मुझे मैसेज भेजना चाहते हैं तो आपसे इनपुट क्या लेता है व्हाट्सएप? आप राइट मैसेज में जाते हैं, पहले वो पूछता है किसको भेजना है, वो सेलेक्ट करो और फिर टेक्स्ट लिखो और भेज दो। तो जो मैंने ये सिलेक्शन की और जो टेक्स्ट लिखा वो मेरा इनपुट था, और जब मैंने कहा भेज दो तो अब यहाँ से व्हाट्सएप का काम शुरू हो गया, यहाँ से मेरा काम खत्म। अब भेजना कैसे है वो व्हाट्सएप देख लेगा अपने हिसाब से। अब वो जब मेरे पास पहुँचा तो वो मेरे पास जो चिड़िंग बजा ना, जो वो आउटपुट था उसका, अच्छा एक आउटपुट उसने आपको भी दिखाया, आपने आपको दिखाया उसने ब्लू टिक कि भाई गया आपका पहुँच गया मैसेज, आपको भी उसने आउटपुट दिखाया, लेकिन असल बात मेरे पास जो पहुंची है ना वो भी असल में आउटपुट है। दो आउटपुट दे रहा है, एक आपको दे रहा है एक मुझे दे रहा है, इनपुट एक लिया था आउटपुट दो है। अच्छा मेरे पास जो चिलिंग करके बजा ना, मेरे पास वो आउटपुट आ गया, मैंने खोला जैसे ही मुझे वो दिख गया, नज़र आ गया मैसेज। अच्छा अब मैं रिप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने इनपुट दिया, टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट लिख के मैंने सेंड का बटन दबाया, तो यहाँ से मेरा काम खत्म हो गया। अब व्हाट्सएप उसको वापस भेजेगा आपके पास, वो व्हाट्सएप का काम है। अच्छा मेरे पास मुझे आउटपुट फौरी तौर पे क्या टिक दिख गया, और असल आउटपुट वो आपके पास जाके चिड़िंग बजा, आपके पास मैसेज आ गया। तो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर यही तीन काम कर रहा होता है, इसके अलावा चौथा कोई काम नहीं कर रहा होता, ठीक है। हाँ एटीएम मशीन भी बिल्कुल ऐसे ही है, एटीएम मशीन में आप कार्ड डालते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए, अब तो बल्कि कार्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती है, वो थंब से हो जाता है। वेल तो आप कार्ड डालते हैं और आप बोलते हैं इतने इतने पैसे निकालो, जो टच करते हैं जो भी, आप इंशाल्लाह कुछ दिनों में वो बोल के होगा, जो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं हम इंशाल्लाह वॉइस पावर्ड एटीएम मशीन भी एक सॉफ्टवेयर भी बनाएंगे उसका, वैर वो इमेजिनरी होगा थोड़ा उसमें, तो हम ये बनाएंगे इंशाल्लाह। तो आपने बहरहाल जो बोल के इनपुट दिया या टच करके दिया या टाइप किया आपने 5000 निकाल दो, तो ये आपका इनपुट था। इनपुट करके जैसे ही आपने एंटर कर दिया ना, यहाँ से आपका काम ख़त्म हो गया, अब एटीएम मशीन का काम शुरू हो गया आगे। अब वो मशीन जाके चेक करेगी डेटाबेस में, बैंक से पूछेगी कि इसके अकाउंट में इतने पैसे हैं नहीं है, जो भी अंदर होता है प्रोसेस, और अल्टीमेटली क्या होगा वो पैसे आपको निकाल के देगी, ठीक है। स्क्रीन पे भी आ जाएगा कि भाई थैंक यू फॉर यूजिंग एटीएम और कैश बाहर आ गया, तो ये आउटपुट है इसका। अच्छा आउटपुट ज़रूरी नहीं है कि पैसे ही आए, हो सकता है ये भी बोल दें इनसफिशेंट बैलेंस, ये भी बोल सकता है कि नेटवर्क बिजी या ट्रांजेक्शन फेल, कुछ भी हो सकता है। आउटपुट ज़रूरी नहीं है कि पैसे ही आए हमेशा, ठीक है। आउटपुट में मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, जैसे व्हाट्सएप पे अगर मैसेज आपने भेजा है ज़रूरी नहीं है वो चला ही जाए, वो ये भी बोल सकता है मैसेज सेंडिंग फेल, दोबारा करो, नेटवर्क नहीं है, कोई भी इशू है, फ़ोन बंद हो गया आपका अचानक, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आउटपुट हमेशा सक्सेसफुल ही हो, फेलियर भी हो सकता है। आउटपुट में मल्टीपल आपके पास जो है ना, जैसे अगर फोटोशॉप की हम बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि आपने जो डाला था बैकग्राउंड रिमूव किया तो वो हो ही गया, समटाइम नहीं भी होता, कुछ चीज़ें आप खोलते हैं फोटोशॉप पे नहीं हो पाती हो, ठीक है। या इसी तरह हम कैलकुलेटर की बात करें तो कैलकुलेटर में समटाइम आप 2+2 लिखते हैं तो 4 आ जाता है, लेकिन समटाइम नहीं भी आता, ऐसा कब होता है कौन बताएगा? कैलकुलेटर में एरर आता है? बिल्कुल आता है, ठीक है, कैलकुलेटर में बिल्कुल एरर आता है। अगर आपने किसी चीज़ को 0 से डिवाइड कर दिया तो वो उसका रिजल्ट नहीं दिखा पाता, किसी चीज़ को 0 से डिवाइड अगर आपने कर दिया तो वो बोलता है कि कैन नॉट डिवाइड विथ 0, या ई लिखा हुआ जाता है छोटा सा, कैलकुलेटर में छोटा सा ई लिखा हुआ जाता है कि एरर है ये, आपने गलत चीज़ दे दी है। या मिसाल के तौर पर कैलकुलेशन के दरमियान में आपने कहीं पर कोई ऐसा वेरिएबल दे दिया है जो एग्जिस्ट नहीं करता, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर में ये ऑप्शन होता है, नॉर्मल वाले में नहीं होता, नॉर्मल वाले में तो बटन सिर्फ होते हैं 1, 2, 3, 4 ना, लेकिन जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होते हैं उसके अंदर वेरिएबल्स का भी ऑप्शन होता है, प्रोग्रामिंग असल में साइंटिफिक कैलकुलेटर ही है सही मामले में। तो वेरिएबल आपने कोई ऐसा लिख दिया जो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आके मैं लिखूँ स्क्रिप्ट में कि भाई लेट ए इक्वल्स टू, अगर मैंने लिखा ना 4+5, यहाँ तक तो कहानी सही है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे प्लस करके क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया कि num1, तो अब ये एरर है ना, ये ऐसा वेरिएबल दे दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ही नहीं इस पूरे प्रोग्राम में, ये वेरिएबल मौजूद ही नहीं है, तो यहाँ पे ये एरर दे देगा। कैलकुलेटर में भी ऑप्शन अगर है आपके पास वेरिएबल बनाने वाला तो वो आपको एरर दे देगा। अच्छा तो हमें समझ में आ गया कि हमें सबसे पहले अगर प्रोग्रामिंग सीखनी है
तो सबसे पहले हमें इनपुट लेना और आउटपुट दिखाना सीखना पड़ेगा। तो आज हम इंशाल्लाह ये दोनों काम सीख लेते हैं। नंबर एक काम इनपुट लेना, हमारे पास कितना टाइम है अभी 15-20 मिनट है, ठीक है, इनपुट लेना और आउटपुट को स्क्रीन पे डिस्प्ले करना, ये इंशाल्लाह आज हम सीख लेते हैं। आज के बाद फिर हम जितने भी प्रोग्राम बनाएंगे, ज़ाहिर अब हम जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, छोटा मोटा कैलकुलेटर भी बनाएंगे, ठीक है, इस तरह की चीज़ें छोटी मोटी बनाते रहेंगे। तो हर असाइनमेंट में आप इनपुट यूज़र से लेंगे, ठीक है, और स्क्रीन पे उसको आउटपुट भी आप वापस दिखाएंगे। अच्छा, तो सबसे पहले मैं बना देता हूँ क्या, चलो कैलकुलेटर ही बना लेते हैं आज, सही है ना। कैलकुलेटर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, एक अदद फॉर्म। एक वेबसाइट के अंदर यूज़र इनपुट लेने के लिए क्या तरीका होता है आपके पास, फॉर्म होता है। इंस्टाग्राम इज़ अ वेबसाइट, वहाँ पे जब आप जाते हैं तो सामने क्या बोलता है आपसे कि यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करो, तो एक टेक्स्ट बॉक्स होता है एक्चुअली। व्हाट्सएप में भी क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स होता है, एक फॉर्म ही होता है एक्चुअली वो भी। तो मैं एक फॉर्म तैयार करता हूँ, इसके लिए मार्कअप क्या इस्तेमाल होता है, फॉर्म का मार्कअप, ठीक है। अंदर मैंने जाके लिखा कि भाई इनपुट, ठीक है, ये मार्कअप डिस्कस कर चुके हैं, एक लंबी लिस्ट थी मार्कअप की, उन्हीं में से ही। अच्छा, मैंने कहा टेक्स्ट होगा एक इनपुट बॉक्स, यहाँ पे मैंने कहा कि नम वन और उसके आगे एक इनपुट होगा, ठीक है, उसके बाद होगा बी आर, यानी लाइन चेंज होगी, उसके बाद होगा नम टू और एक इनपुट और होगा, ठीक है, उसके बाद एक और लाइन चेंज होगी बी आर, उसके बाद एक होगा बटन, ठीक है, और उस पर लिखा होगा सम, ठीक है। मार्कअप मुश्किल तो नहीं है, आसान मार्कअप है, ये मार्कअप सारे हम पहले देख चुके हैं, नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा जाके, कोई ऐसा उस लिस्ट के अंदर ये मौजूद है, उस पर क्लिक करेंगे अंदर एग्जांपल भी आ जाएगी कि ये चलता कैसे। अच्छा, इतने कोड को पहले चला के देखते हैं कि स्क्रीन पे दिख क्या रहा है, इतना कोड लिखने के बाद स्क्रीन पे ये दिख रहा है, सही है, इसमें कुछ भी मुश्किल तो नहीं था अभी तक। ये इनपुट लेने के लिए हमारे पास यूआई तैयार हो गई है इस पॉइंट पर। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अभी तक तो हमने जो मार्कअप लिखे थे उसमें यही देखा था ना कि कुछ डिस्प्ले स्क्रीन पे हो जाए, कुछ नज़र आ जाए, लेकिन अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अब हम वेब 2.0 पे आ रहे हैं। एक तो वन था ना जिसमें सिर्फ दिखेगा, कर कुछ नहीं सकता, अब हम ये चाह रहे हैं कि यार बटन पे क्लिक हो ना ये तो कुछ काम हो, बटन पे जब क्लिक हो तो कुछ काम हो, ठीक है। तो ये फिनोमेना क्या कहलाता है, ऑन सबमिट, कि ये एक्चुअली फॉर्म है, ये सबमिट होगा, ठीक है। डू सम, एक ये डू सम करके मैंने एक चीज़ लगा दी। अच्छा, और बटन पे मैंने लगा दिया कि बटन की टाइप क्या है, सबमिट है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये मेरे पास ना एक फॉर्म है, फॉर्म में कुछ डेटा फिल करूँगा मैं, क्योंकि मेरे मार्कअप को तो नहीं पता ना कि मैं कैलकुलेटर बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, या लॉगिन साइनअप बना रहा हूँ, उसको नहीं पता, ठीक है। उसको ये लग रहा है कि अच्छा यार एक फॉर्म है, इसके अंदर कुछ इनपुट है ना, इनपुट नंबर एक, इनपुट नंबर दो और एक अदद बटन है, और इस बटन पे मैंने क्या कह दिया कि इस बटन की टाइप क्या है, सबमिट है, यानी इस बटन पे जब मैं क्लिक करूँ तो ये फॉर्म सबमिट हो जाए, ये फॉर्म क्या हो जाए, सबमिट हो जाए। अच्छा, फिर मैंने ये बोला यहाँ पे आके कि फॉर्म के ऊपर मैंने ये बोला कि ऑन सबमिट, कि जब सबमिट हो तो तुमने क्या करना है, मैंने कहा कि डू सम, एक ही मैंने बात बता दी। अब ये डू सम क्या चीज़ है, ये एक फंक्शन है जो अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट में कवर नहीं किया, इंशाल्लाह हम आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही समझना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक हमने फंक्शन का टॉपिक कवर नहीं किया है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अच्छा, अब देखो मैं स्क्रिप्ट में आया, और स्क्रिप्ट में आने के बाद मैंने कहा फंक्शन और डू सम, और ये फंक्शन मैंने यहाँ पे चला दिया, ठीक है। ये जो फंक्शन है ना, मैंने ये कहा इसको कि जब ये वाला फॉर्म सबमिट हो, ठीक है, तो डू सम के नाम से एक फंक्शन है मेरे जावास्क्रिप्ट के अंदर, उस फंक्शन को एक दफ़ा चला देना, सही है। अच्छा, जब ये फंक्शन चलेगा असल में तो होगा क्या, जब ये फंक्शन चलेगा ना तो देखो ये ब्रैकेट देख रहे हो लाइन नंबर 23 में और लाइन नंबर 26 में, इस ब्रैकेट के दरमियान कोई भी बात लिखी हुई होगी ना, वो हो जाएगी, सही है। मैंने कहा भाई समिंग, कुछ भी मैंने लिख दिया, पहले इतने कोड को चला के टेस्ट कर लें कि ऑन सबमिट पे जो मैंने बोला है कि ये डू सम का फंक्शन चला दो, डू सम का फंक्शन का मतलब है इस दोनों ब्रैकेट के दरमियान में जो भी कोड है ना उसको एक दफ़ा चला दो, तो आया कि ये
इसी तरह हो रहा है या नहीं हो रहा, पहले इतने को वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, वेरीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने कुछ भी नंबर लिखा, अभी तो मैटर नहीं करता कि नंबर क्या है नहीं है। सम का बटन दबाया, ओए अच्छा ये पेज मेरा रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। समिंग चल तो रहा है लेकिन पेज रिफ्रेश हो जाता है मेरा, समिंग के नाम से जो फंक्शन है वो चल तो रहा है लेकिन मेरा पेज रिफ्रेश हो जाता है। पेज रिफ्रेश को रोकने के लिए ना एक छोटा सा काम करते हैं हम यहाँ पे, सेमी कॉलन लगा के ना ये डू सम के बाद, और मैं उसको बोल देता हूँ फॉल्स, ठीक है। ये फॉल्स का मतलब है कि भाई पेज को रिफ्रेश नहीं करना है आपने। आगे देखते हैं कि ये फॉल्स काम कर रहा है या नहीं कर रहा। फॉल्स, ये रिटर्न फॉल्स होगा वालबन। हाँ सही है, रिटर्न फॉल्स होगा यहाँ पे, सिर्फ फॉल्स नहीं होगा रिटर्न फॉल्स होगा। इसका मतलब क्या है इस रिटर्न फॉल्स का, कि पेज को भाई साहब रिफ्रेश नहीं करना है, क्योंकि डिफॉल्ट बिहेवियर ये होता है जब कोई फॉर्म सबमिट करते हैं ना आप, तो असल में दूसरे पेज पे आप जा रहे होते हैं। लॉगिन का फॉर्म सबमिट किया तो आप अगले पे चले जाते हैं, डैशबोर्ड पे चले जाते हैं, तो इसलिए ये इसका डिफॉल्ट फिनोमेना है। लेकिन उसको आप चाहें तो रोक भी सकते हैं, ये रोकने के लिए आपने देख लिया कैसे रोकता है ये। अच्छा, यहाँ तक के कोड में किसी को कोई प्रॉब्लम, सबको समझ में आ रहा है क्या हुआ ये, ठीक है। तो एक अदद फॉर्म हमने अभी तक बना लिया और हमने क्या बोला है कि फॉर्म के ऊपर एक सबमिट का बटन है, वो जब क्लिक होगा तो ये जावास्क्रिप्ट चल जाएगी। अच्छा, अब जब ये जावास्क्रिप्ट चलेगी तो मुझे पहला काम क्या करना है, मुझे पहला काम ये करना है कि बंदे ने जो इनपुट बॉक्स के अंदर बात लिखी है उसको पकड़ना है। मैंने उसको पकड़ के कहाँ लाना है, एक वेरिएबल के अंदर लाना है। वंस वो वैल्यू मेरे वेरिएबल के अंदर आ गई फिर मुझे उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने में कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं ये करूँगा, ये जो मेरा मार्कअप है ना इनपुट, इसको मैं दूंगा एक अदद आईडी, ठीक है, इसको मैं एक अदद आईडी दूंगा। अच्छा, आईडी हम देख चुके हैं, हर मार्कअप को मैं एक यूनिक आईडी दे सकता हूँ जो सिर्फ उसकी होगी, ठीक है। एक आईडी में दो मार्कअप को नहीं दे सकता, वो एरर होता है फिर ना, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, एक को आईडी दे दी नम वन और एक को आईडी दे दी नम टू, ठीक है, नम टू। और मैंने यहाँ पे इस फंक्शन के पहली लाइन में आके बोला, मैंने कहा वार नम वन। अच्छा, ये वेरिएबल का नाम ज़रूरी नहीं है कि अब सेम हो उससे आईडी से, मैं कुछ और रख देता हूँ। मैंने कहा फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर के बाद मैंने कहा कि भाई स्ट्रिंग में हैश लिखूंगा पहले, हैश का मतलब है आईडी की बात हो रही है, अगर बगैर हैश के लिखूंगा ना तो वो नाम समझता है मार्कअप का ना, नाम समझता है फिर वो। मैंने कहा नम वन के नाम से जो आईडी से जो है ना एलिमेंट, उस एलिमेंट को पूरा उठा के लाओ और उसकी क्या निकालो, डॉट वैल्यू निकालो, सही है। क्योंकि ये एलिमेंट जो ये क्या है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, तो टेक्स्ट बॉक्स में अभी जो वैल्यू लिखी हुई है वो मुझे निकाल के। अच्छा, तो ये पूरी बात मुझे क्या रिटर्न करेगी, ये पूरा स्टेटमेंट, ये पूरी स्टेटमेंट मुझे वो चीज़ रिटर्न करेगी जो बंदे ने टेक्स्ट बॉक्स में अभी लिखा हुआ है, सबमिट का बटन दबाने से पहले पहले जो लिखा हुआ है वो यहाँ रिटर्न। मिसाल के तौर पर बंदे ने लिखा 45, तो यहाँ 45 आ जाएगा, ठीक है, 45 आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर भी लिखूंगा मैं नम टू, तो ये दोनों नंबर मेरे वेरिएबल में आ गए। अच्छा, तो अभी पहले कॉन्सोल करा लेते हैं कि आया क्या वाकई ये वेरिएबल में आ गए हैं कि नहीं आ गए। कॉमा डाल के मैं फर्स्ट नंबर कॉमा सेकेंड नंबर, इसमें मैं कॉमा कॉमा करके ना जितने भी वैल्यू प्रिंट करा लूँ कंसोल डॉट लॉग में, ये मुझे मना नहीं करता, सही है। रिफ्रेश किया इसको मैंने और यहाँ पे कुछ नंबर लिखा मैंने, क्या नंबर लिखा भाई, 23, रिफ्रेश नहीं हुआ, 23 प्लस 5, ठीक है। और सम का बटन दबाया तो 23 और 5 मुझे कहाँ मिल गया, मेरे वेरिएबल में मिल गया मुझे, और कंसोल भी हो गया, सही है। अभी थोड़ा सा ये ओवरवेलमिंग लग रहा होगा, है ना, ओवरवेलमिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि ये पहली दफ़ा कर रहे हैं, लेकिन आज के बाद हम जितने भी असाइनमेंट्स बनाएंगे उसमें ये हमें करना है, तो ये जब आप बार बार करेंगे ना तो आपको ये याद हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ये मुश्किल नहीं है, ये आप एक दो दफ़ा करेंगे ना हाथ से आपको ये याद हो जाएगा, फिर आपके लिए चुटकियों का काम है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब फिर दूसरी बात ये
एक अच्छी बात जो है क्या है, अच्छी बात ये बॉयलर प्लेट कोड है ये। बॉयलर प्लेट का मतलब क्या होता है, बॉयलर प्लेट का मतलब ये होता है कि ये हमेशा आप इसी तरह लिखेंगे उसको भाई, इनपुट में आपको लॉगिन का फॉर्म हो या नम वन और नम टू इनपुट ले रहे हो तो फॉर्म तो इसी तरह बनेगा ना भाई, फॉर्म तो इसी तरह बनेगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा कुछ, ये हमेशा जाहिर है आपका ये इसी तरह ही होगा कोड। या मिसाल के तौर पर मैंने आपको बोला कि यार दो बंदे से उसकी एज पूछो, उसकी क्लास पूछो, उसका रोल नंबर पूछो और क्लिक करने पे उसको डेटाबेस में लेके भर दो, तो टेक्स्ट बॉक्स तो यही बनेंगे, सिर्फ यहाँ पे नम वन लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा नेम, यहाँ पे होगा एज, यही होगा ना। आगे देखो क्या हुआ, ये साइनअप का फॉर्म बन गया, नेम, एज, रोल नंबर, फोन नंबर, ईमेल, पासवर्ड, करता जाऊँगा मैं मल्टीपल ऐड करता जाऊँगा, सही है ये। जस्ट मैं ये देखो तीन चार कर दिया मैंने, मैंने कहा ईमेल, मैंने कहा पासवर्ड, ठीक है, और क्या है, एड्रेस, ये लो साइन अप का हाँ वो तो आईडी ज़ाहिर है चेंज होगी, लेकिन मैं जस्ट ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये बॉयलर प्लेट कोड है, ऐसा नहीं है कि आपको हर दफ़ा सोचना पड़ेगा, ये एक दफ़ा सोच लिया तो हो गया ख़त्म, ये हर दफ़ा इसी तरह ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो अभी ये है नम वन और नम टू, दो इनपुट हैं, लेकिन कल को यही नम वन और नम टू ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस, रोल नंबर, एज, जो भी लेना हो वो असल में यही होगा। अच्छा, तो मैंने ये दोनों नंबर निकाल के वेरिएबल में कर लिए। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि यार मैं यहाँ पे आके ना ए बी सी डी लिखता हूँ तो ए बी सी डी भी लिखा जाता है, ये क्या सीन है। तो उसके लिए मेरे पास जो मार्कअप है ना, ये इनपुट का मार्कअप, इसके अंदर क्या होती है, टाइप, टाइप लगी हुई ना टेक्स्ट, इसको मैं क्या कर दूंगा, नंबर कर दूंगा, तो फिर इसमें नंबर के अलावा कुछ टाइप नहीं होगा। नंबर कर दिया मैंने, सही है। अब देखो रिफ्रेश किया मैंने, अब मैं ए बी सी डी लिखूंगा, नहीं होगा, और ये इधर ये बना हुआ भी आ गया, अब इसमें ए बी सी डी टाइप नहीं होगा, सिर्फ नंबर टाइप होगा। अच्छा, इनपुट हमारा जो था ना वो ऑलमोस्ट क्या हो गया, तैयार हो चुका है। एक आखिरी बात, ये फॉर्म में जो इनपुट बॉक्स होता है ना भाई, इसकी टाइप भले नंबर हो, लेकिन जब मुझे इसमें से डेटा मिलता है तो वो किस फॉर्म में होता है, वो नंबर की फॉर्म में कभी भी नहीं होगा, हमेशा वो टेक्स्ट की फॉर्म में होगा, वो नंबर की फॉर्म में नहीं होगा, वो टेक्स्ट की फॉर्म में होगा। अच्छा, तो उसको नंबर बनाने के लिए क्या करता हूँ मैं, तरीका इख्तियार, कैपिटल एन से जो है ना नंबर लिखूँगा मैं, और ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट आखिर में जाके क्लोज। अब देखो समझना गौर से कि क्या हुआ है, इतनी चीज़ ने मुझे क्या रिटर्न किया, 45 लिखा था बंदे ने टेक्स्ट बॉक्स नंबर वन में, तो यहाँ पे क्या रिटर्न हुआ, स्ट्रिंग में 45 रिटर्न हो गया है। अच्छा, और इसने मुझे क्या किया, इस स्ट्रिंग को नुमेरिक बना के कन्वर्ट करके मुझे दिया, सही है, तो वो फर्स्ट नंबर में नुमेरिक वैल्यू चली गई, वो बन गई, सही है। अच्छा, इसी का जो शॉर्टकट है वो क्या है, छोटा सा प्लस लगा दोगे ना शुरू में तो ये इसी का शॉर्टकट है, कैपिटल एन से नंबर लिखो, ये शॉर्टकट लगा दो। तो मैंने एक में कैपिटल एन से नंबर लिख दिया, एक में शॉर्टकट लगा दिया, काम दोनों में एक ही हो रहा है, सही है। तो ये आप दोनों आपके पास आ गया। अच्छा, अब ये दो नंबर आ चुके थे मेरे पास, इन दोनों को प्लस कैसे करूँ मैं, मैंने कहा वार सम, अच्छा वार क्यों लिख रहा हूँ मैं बार बार, ये तो लेट लिखेंगे ना, लेट लिखेंगे हम, ES6 पढ़ रहे हैं भाई, वार नहीं लिखेंगे हम, सही है, लेट लिखेंगे। अच्छा, मैंने कहा लेट सम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, ये दोनों नंबर प्लस हो गए, ये दोनों नंबर प्लस हो गए। अब मुझे इस नंबर को वापस स्क्रीन पे कैसे दिखाऊं मैं, हमने क्या कर लिया, नंबर वन इनपुट ले लिया, उसको प्रोसेस कर लिया, प्रोसेस तो ये जो प्रोसेस वाला पार्ट है ना, ये तो पूरा जो कोर्स है ना, ये प्रोसेस वाला पार्ट हम पूरे कोर्स में पढ़ेंगे, इनपुट लेना आउटपुट लेना ऑन अदर एंड ये अभी हमने ख़त्म कर लिया, ठीक है, इनपुट लेना और आउटपुट लेना ये तो सिंपल काम है, लेकिन दरमियान में जो प्रोसेस होगा उसमें क्या हो सकता है, 2+2 4 भी हो सकता है, और पूरा फोटोशॉप, पूरा एक्सेल, पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पूरा गूगल, गूगल में क्या लिखता हूँ मैं, लिखता हूँ कार और एंटर करता हूँ, इनपुट ख़त्म, इनपुट तो यहीं तक था ना, उसके बाद गूगल का पीछे इतना बड़ा इंजन है, इतना बड़ा सिस्टम है, इतना बड़ा क्रॉलर है कि 24 घंटे में पूरी दुनिया की वेबसाइट को वो छान मार देता है, हर 24 घंटे में पूरी दुनिया में जितनी भी वेबसाइट है सबको छान मारता है, इतना बड़ा सिस्टम है प्रोसेस के लिए। तो प्रोसेस वाला जो पार्ट है ना दरमियान वाला, ये बहुत वास्ट है, इस प्रोसेस वाले पार्ट में फिर डिफरेंट फील्ड्स हैं, बहुत कुछ है इसके अंदर,
तो ये हमने इनपुट और आउटपुट वाला तो इंशाल्लाह आज हमने कंप्लीट कर लिया, इसके बाद हम ये मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, ये बस इतना ही है। लेकिन प्रोसेस वाला जो पार्ट है ना, ये जो लाइन नंबर 29 में जो काम हमने किया है, ये अभी 2+2=4 है, कल को ये डिवाइड भी होगा, मॉड्यूलस भी हो सकता है, पूरा फोटोशॉप भी हो सकता है, मैथमेटिकल एवरेज निकालना बीच में या कोई भी ऐसी चीज़। तो ये पूरे कोर्स में हम ये पढ़ेंगे दरमियान वाला। अब आज के बाद जो जावास्क्रिप्ट हमारी फंडामेंटल सारी चलेगी, उसमें ये प्रोसेस वाला पार्ट हम पढ़ रहे होंगे पूरा टाइम। अच्छा, तो अब इसको मुझे स्क्रीन पर दोबारा डिस्प्ले करवाना है, टाइम हमारे पास हो चुका है ऑलमोस्ट। अच्छा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एक अदद पैराग्राफ बनाना पड़ेगा, या पैराग्राफ में दिखाना चाहता हूँ मैं किस में, H3 में दिखाना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ हेडिंग 3 के नाम का जो मार्कअप होता है ना, उसमें दिखाऊँ मैं। तो मैंने हेडिंग 3 का मार्कअप बनाया और उसके अंदर मैंने क्या लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, खाली छोड़ा उसको मैंने, सही है, कुछ उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसको मैंने आईडी दे दी एक अदद, आईडी दे दी मैंने रिजल्ट के नाम से, ठीक है, ये मैंने काम किया और इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ये खाली खाली स्पेस छोड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है, समझ आया। अब मैं क्या करूँगा, मैं जावास्क्रिप्ट के ज़रिए ना मैं बोलूँगा इस H1 के अंदर क्या दिखा दो, फला वेरिएबल उठाओ इस H1 के अंदर शो करा दो, आ जाओ करते हैं ये काम। मैंने बोला डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है, रिजल्ट के नाम से कोई मार्कअप है जो आईडी से मैं उसको बुला रहा हूँ, मैंने कहा उसके अंदर HTML में जाके ना ये सम का वेरिएबल रखवा दो। सम के वेरिएबल में क्या था, 2+2=4 था, तो 4 जाके कहाँ हो जाएगा डिस्प्ले, उस H3 के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। सही है, चला के देख लें इसको, फिर इसकी रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, चला के देख लें इसको, फिर आ जाओ। मैंने कहा कि 34+12 और सम का बटन प्रेस किया तो यहाँ पे क्या आ गया, 46। सही आंसर आया, बिल्कुल सही आया, ठीक है। चलो कोई और वैल्यू लिखते हैं, मैंने कहा कि 23+5=28, सही है, मुश्किल तो नहीं था। अच्छा, अभी एक इसमें मसला होता है, इसमें मसला पता ही क्या होता है, मिसाल के तौर पर मैंने एक में 23 लिखा, दूसरे को खाली छोड़ दिया, दूसरे को मैंने खाली छोड़ दिया, तो इसमें क्या हो जाता है, वो तो चलना नहीं चाहिए, सबमिट होना ही नहीं चाहिए। तो इसके लिए ना मार्कअप में मेरे पास एक ऑप्शन होता है कि मैं इसके आगे लगा दूँ ना रिक्वायर्ड है, ये कि जब तक इसमें वैल्यू ना लिखी जाए वो सबमिट ना करे, सही है, रिक्वायर्ड लगा दिया मैंने, ये मार्कअप से रिलेटेड चीज़ है। तो अब मैं 23 लिखूँगा और सम करूँगा ना, क्या बोलेगा ये कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, इसके बगैर वो चलेगा ही नहीं, कोड आगे रोक देगा वो, दैट इज़ कॉल्ड वैलिडेशन, ठीक है। तो जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर आप ये लगा सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। अब इस कोड में अगर किसी का कोई सवाल है अभी राइट नाउ, तो वो प्लीज़ पूछ ले। हाँ, पेज रिफ्रेश के लिए ये मैंने लगा दिया ना चुन्ना मुन्ना सर, हाँ फिर भी हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता यार, एक मिनट मैं लाइनें थोड़ी कम कर देता हूँ ना यहाँ से, हाँ ये हो गया। इसमें किसी का कोई सवाल जी, सॉरी कहाँ पे डॉट है, आर्ग्यूमेंट, हाँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। अच्छा, ये पूछ रहे हैं अब ये किया क्या है मैंने। अच्छा देखो, सुनो गौर से समझना, डॉक्यूमेंट जो है ना, ये HTML के डॉक्यूमेंट की बात हो रही है। देखो टॉप पे देखो HTML में क्या लिखा हुआ होता है, अगर HTML के टॉप पे देखो क्या लिखा होता है, डॉक टाइप HTML, ठीक है, यानी इस डॉक्यूमेंट का, इस फाइल का जो टाइप है वो क्या है, वो HTML है, सही है। तो ये जब मैं बोलता हूँ ना डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट HTML के डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, और क्वेरी सेलेक्टर का मतलब ये है कि उस डॉक्यूमेंट में मैं कुछ तलाश करना चाह रहा हूँ। क्या तलाश करना चाह रहा हूँ, एक ऐसा मार्कअप जिस पे क्या लगी हुई है, आईडी रिजल्ट लगी हुई है, एक ऐसा मार्कअप उस पे डॉक्यूमेंट्स में से मैं तलाश करना चाह रहा हूँ।
ठीक है। अच्छा जब वो मुझे मिल जाए, देखो इतनी चीज़ जो है ना, ये जो ये इतनी चीज़ है ना, ये वाला, ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? वो H3 का पूरा एलिमेंट लाके रिटर्न कर देगा मुझे, ठीक है। H3 ऐसे यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अब ये H3 आ गया इतने पे, अब मैंने बोला कि डॉट इनर HTML के भाई, इस जो भी एलिमेंट मिला है उसके इनर HTML में क्या असाइन करवा दो, एक वैल्यू असाइन करा दो। अभी सम लिखा है, मैं हाथ से भी यहाँ कुछ स्ट्रिंग में भी लिख सकता था, ये भी वो भी हो जाएगा, एक ही बात है, ठीक है। वेरिएबल हो या हाथ से कोई वैल्यू लिख के मैं उसमें रखवा सकता हूँ, ठीक है। अब इसी तरह ऊपर वाले में देखो क्या हुआ है, ऊपर वाले में मैंने बोला कि भाई साहब डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर नम टू, डॉक्यूमेंट के अंदर एक ऐसा मार्कअप, एक ऐसा एलिमेंट तलाश करो जिसकी आईडी क्या हो, नम टू, और डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू। तो ये इतना हिस्सा मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, मुझे वो पूरा एलिमेंट रिटर्न कर रहा है, उस पर मैंने डॉट वैल्यू लगाया ना, तो अब मुझे क्या मिलेगी, उस एलिमेंट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है वो मिलेगी, सही है। तो ये पूरी चीज़ मुझे वो वैल्यू रिटर्न कर देगी। तो डॉक्यूमेंट समझ में आ गया, क्वेरी का मतलब है कि उसमें कुछ तलाश करना, और आईडी के ज़रिए मैं तलाश करके उसकी वैल्यू उठा लेना। और किसी का कोई सवाल इसमें? हाँ, ES6 में लेट होता है और कॉन्स्ट होता है, ठीक है। वो ES5 था, बुक हमारी ES5 में वार वाला उसमें लिखा हुआ है कोड, लेकिन हम बुक को तो फॉलो करेंगे, लेकिन बुक में जो कोड लिखा हुआ है उसी को हम ES6 में लिखा करेंगे, हम ES5 की कोई भी चीज़ नहीं पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सारा बिल्कुल जो नया वाला जावा स्क्रिप्ट है, और जब हम सर्वर पे पहुंचेंगे तो हम मॉड्यूल JS इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है, जो ES6 के भी बाद की चीज़ है, मॉड्यूल JS, जो नॉट JS के अंदर नया वाला सिंटैक्स पूरा इम्पोर्ट वगैरह का सब कुछ उसमें चल जाता है, तो वो सीखेंगे, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में भाई हमेशा वो चीज़ सीखनी चाहिए जो आगे 5 सालों में आने वाली है, जो अभी आ चुकी है और जो ऑलमोस्ट आउट ऑफ डेट हो गई है उसको सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सीखनी वो चाहिए जो आगे आने वाली है। तो अभी तक मार्केट में जो स्टैंडर्ड है वो तो ES5 ही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर तक होपफुली ES5 को हटा के लोग ES6 पे आ जाएंगे, यानी अब जो नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं जितने भी, वो ES6 पे होंगे सारे, क्योंकि ES6 की सपोर्ट हर जगह पर आ चुकी है मुकम्मल, नॉट JS में भी, ब्राउज़र में भी। तो अब आगे जितने भी प्रोजेक्ट शुरू होंगे वो सब ES6 में होंगे। अच्छा ठीक है जी, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम इस क्लास को यहाँ पे रोकते हैं। ये वाला कोड आप सब लोगों को अपने हाथ से लिख कर लाना है अगली क्लास में, ठीक है। अच्छा, और मैंने यहाँ पे किया है ना प्लस, सेम इसी तरीके से माइनस भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और डिवाइड भी हो जाएगा, फ़र्क तो नहीं है ना कोई। तो काम करना है चारों बना के ले आना, सही है, चारों बना के ले आना। ओके, एक टेक्स्ट बॉक्स लिखा हो दो, उसमें लिखूँ मैं सबमिट करूँ तो प्लस है, फिर नीचे एक और हो उसमें दोनों में लिखूँ तो माइनस कर लूँ, फिर नीचे एक और हो उसमें दोनों लिखूँ, यही होगा ना यार, और क्या होगा। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट तो ये कि जो कोड मैंने लिखा है वो अपने हाथ से लिख लेना, ठीक है। और अगर पॉसिबल हो, अगर आप लोगों से हो जाए तो चार ऑपरेशन जो होते हैं ना मैथ के बेसिक, वो चारों बना के ले आना यार, ठीक है। इंशाल्लाह फिर अगले में लाइव सेशन करेंगे कैलकुलेटर, आप ये कैलकुलेटर हो गया आपका, ठीक है। तो जब आप अगली क्लास में आएंगे तो जिसने सबसे अच्छा बनाया होगा इंशाल्लाह एक लाइव सेशन करेंगे हम फेसबुक पे, और फिर बताएंगे हम सबको कि आपने क्या बना लिया अभी तक, ठीक है जी। इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी फिर अगली क्लास में, अल्लाह हाफिज़। ये कोड पुश कर दूंगा ना मैं, गिटहब में पुश कर दूंगा, कोड अभी पुश कर देता हूँ, ये लो, ये लो कोड पुश हो गया। और बोलो क्या नहीं आ रहा रिजल्ट तुम्हारे पास? अभी आ जाता हूँ मैं, देख लूँगा क्या इशू है।